नहीं, मैं मांग करने काबिल ही नहीं रह गया हूँ। मैं मांग करूंगा तुम्हारे पे कहीं कोई जेल में डालने देवे। मैं जनता को दिखा रहा हूँ कि देखो, एक शादी, एक औरत बिना शादी के एक आदमी के साथ होटल में रह सकती है, लिविंग रिलेशन के ऊपर उस पर कोई पाबंदी नहीं। मैं कह रहा हूँ आदमी आदमी से शादी कर सकता है, साथ में रह सकता है, उसके साथ हर एक्टिविटी कर सकता है जो शौहर और बीवी करती हैं, उस पर कोई आजादी आजादी। लेकिन एक औरत जिसका धर्म, धर्म के अंदर कुरान में लिखा हुआ है कि ए हमारी खातीन, ए औरतें, जब तुम घर से बाहर निकलो तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लो और अपनी नजर नीचे करके जाओ। और आदमियों से कहा कि अपनी नजर नीचे रखो, अगर एक बार किसी गैर औरत पे नजर पड़ गई तो दोबारा मुड़ के देखा तो तुम बहुत बड़े पापी और गुनहगार हो। ये सब चीज देख रहे हैं हम, इस पे कोई रोक नहीं। और रोक किस पे है जो अपने जिस्म को ढांक रही है? मैं एक किस्सा बताऊं आपको, बात लंबी नहीं हो जावे। एक लेडी जीन की पैंट शर्ट पहन के पूरे फैशन में आती थी और रोजाना आगे अपनी सहेली से कहती थी, बहन मैं अब ये नौकरी छोड़ दूंगी, बहुत परेशान होकर नीचे लड़के मोटरसाइकिल में बैठे रहते, मुझे छेड़ते हैं, सीटी मारते हैं। तो उस बहन ने कहा कि बहन मैं भी आती हूँ ना रोज बुरका पहन के, तू एक काम कर, आज थोड़ा ट्रायल ले, ये मेरा बुरका तू पहन ले और जा वहां से पहन के आ देख क्या होता है। तो गई वो, आई तो कोई उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो उसने कहा नहीं, ये बुरके पहनने से तो कोई छेड़ा ही नहीं मुझे। तो जो अच्छी चीज है अपनाना चाहिए। मैं जाता हूँ राजस्थान, मैं जाता हूँ मध्य प्रदेश, जाता हूँ गुजरात, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के परिवार के लोग जो है ना, उनके घर की औरतें आती हैं चाय लेके पानी लेके अपना घूंघट खींच लेती हैं, सर खींची आती हैं। ये पर्दा है, ये मेरे देश की वो है, अपना संस्कृत है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे उस हीरो से कोई वो नहीं है, वो नंगा नाचे कुछ करे जो चाहे करे, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं 130 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि बताओ हमारे देश की संस्कृत क्या है। जो बच्चे अभी जवान नहीं हुए, छोटे हैं, वो सब जान गए, सारी बुराई उनको पता चल गई, एक टेलीविजन, एक मोबाइल और ये नंगापन जो है ना बर्बाद कर रहा है देश को। ये सुनिए, एक एक लेडी गई उनके घर में, अपना अपना इसराइल में एक यहूदी के घर में गई, एक प्रेस वाली गई, उसने बच्चों से पूछा तुम्हारे घर में मोबाइल है क्या, तुम्हारे पास मोबाइल? बोले मोबाइल हमारे पास नहीं है। तुम मोबाइल देखते हो? बोला मोबाइल हमको मिला ही नहीं। तुम्हारे घर में टीवी है क्या? नहीं, टीवी हमको अलाउ नहीं, टीवी देखना। जिन्होंने टीवी बनाया, जिन्होंने मोबाइल बनाया, जो देश में दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं, उनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उनके बच्चों के पास टीवी नहीं है,